शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि को कुछ ही दिन है, ऐसे में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के पहले महीने चैत्र मास में मनाई जाती है। इस साल 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया अहेड हिंदी। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस खास पर्व पर लोग जप, व्रत, तप का संकल्प लेकर संयमित जीवन व्यतीत करते हैं और अपने आध्यात्मिक मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए साधना करते हैं। इस मौके पर एक ओर जहां मंदिरों में माता की पूजा अर्चना और जगरातों का दौर शुरू हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ माँ के भक्त अपने घरों में कलश स्थापित कर पूरी श्रद्धा से 9 दिनों तक आदि शक्ति के 9 स्वरूपों का आह्वान करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कलश स्थापना का क्या महत्व है और कलश स्थापना के समय किन बातों का विशेष ध्यान बेहद जरूरी है, किस मुहूर्त में कलश स्थापना से मिलेगी माँ भगवती की कृपा और मनचाहा वरदान। कलश स्थापना का महत्व धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख समृद्धि वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक कहा जाता है। विशेष मांगलिक कार्यों को शुरू करने से पहले कलश पूजन का विशेष महत्व है। यही वजह है कि नवरात्रि में भी कलश स्थापना का अपना महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में महेश, मूल में ब्रह्मा स्थित है और कलश के मध्य में दैवीय मातृ शक्तियां निवास करती हैं। इसलिए पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति तीर्थ स्थान का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। इस बार घट स्थापना यानी कलश स्थापना का मुहूर्त 2 अप्रैल 2022 शनिवार को सुबह 6:22 से 8:31 तक रहेगा। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले सुबह स्नान के बाद मंदिर की साफ सफाई कर लें। माँ दुर्गा को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए लाल कपड़े के आसन पर ही माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करें और कलश स्थापित करें। कलश के मुख में मौली बांधकर स्वच्छ जल या गंगा जल भरें। इसके बाद केसर, अक्षत, कुमकुम, दुर्वा कुश, सुपारी, पुष्प, सूत, सिक्के डालें। इसके बाद आम के पत्ते को कलश में रखें। अब एक लाल कपड़े में बंधे नारियल को उस कलश के ऊपर रख दें। नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना से मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर मांगी मुराद पूरी करती हैं। कलश स्थापना के बाद ही व्रत का संकल्प लिया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में ना केवल सुख समृद्धि आती है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। विधि पूर्वक की गई पूजा विधान से मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। तो आप भी इस विधियों से कलश स्थापना कर मां को प्रसन्न करें और अपने जीवन को खुशियों से भर दें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।